तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महापुरुषों के बचपन के नाम। हम इसमें महापुरुषों के बचपन के नाम देखेंगे कि उन्हें बचपन में क्या कह के संबोधित किया जाता था। दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महापुरुषों के बचपन के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहले हमारे हैं महापुरुष वो हैं स्वामी राम तीर्थ, और इनके बचपन का नाम जो था वो था तीर्थ राम। दूसरे जो हैं स्वामी विवेकानंद जी, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र, आप सभी लोगों को पता है। और रामकृष्ण परमहंस, इनके बचपन का नाम था गदाधर। एक बार फिर से देखेंगे, स्वामी राम तीर्थ के बचपन का नाम था तीर्थ राम। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर। अब चलते हैं आगे दोस्तों, भगवान महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम था मूलशंकर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम था छबीली मनु। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, भगवान महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर। रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम था छबीली मनु। अब चलते हैं आगे दोस्तों, लोकमान तिलक के बचपन का नाम था केशव। महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास जी था, जिन्हें मोनिया कह के भी बुलाया जाता था, मोनिया, ठीक है ना। तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, लोकमान तिलक के बचपन का नाम था केशव। महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम था मोहनदास, और इन्हें मोनिया भी कहा जाता था। तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु। अब चलते हैं आगे, तात्या टोपे के बचपन का नाम था रामचंद्र राव। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आप सभी लोगों को मालूम है। और वाल्मीकि जी वो हैं जिन्होंने रामायण की रचना की, और इनके बचपन का नाम था रत्नाकर। तो एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, तात्या टोपे के बचपन का नाम था रामचंद्र राव। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वाल्मीकि जी के बचपन का नाम था रत्नाकर। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे एजुकेशनल वीडियो आपको डेली मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी लोगों का BSET की क्लासेस से जुड़ने के लिए।